कि आपके फेस पर छोटे छोटे खड्डे हैं, छोटे छोटे से, और इसमें जो है ना आपके चेहरे पे, नोज पे और इस जगह पे, ये स्पेशली इस जगह पे ब्लैक ब्लैक दाग होंगे और साथ साथ छोटे छोटे खड्डे होंगे। तो ये ओपन पोर्स की वजह से होता है ये सब मसला। और इसके लिए एक बेस्ट क्रीम बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं, जर्मनी, आयरलैंड, यूके, दुबई या सऊदीया में, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बाहर जो लोग पूछते हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी क्रीम है, इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। और अगर आपने वहाँ पे लेना हो तो कौन सा क्रीम ले, तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओपन पोर्स कैसे बनते हैं, आप अभी जाके देख लें, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपने फेस को देखते हो शीशे में तो आप गौर से देख लें कि आपके फेस पे छोटे छोटे दबे होंगे, दाग दबे होंगे, छोटे छोटे कड्डे से बन रहे होंगे और ये ज़्यादा होते हैं। ये अगर आप इसी तरह इग्नोर करते रहेंगे तो ये आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बनेंगे और ये आपके फेस पे फिर बड़े बड़े खड्डे बन जाएंगे। ये ओपन पोर्स का उन लोगों के साथ ये मसला होता है जिनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, मतलब आप सुबह उठते हो तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, आपकी जो सेल्स है, जो ग्लैंड्स है आपके ऑयल वाले, वो इतने ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑयली स्किन वालों के साथ ये मसला लाजमी होता है और साथ साथ जो है ना आपके फेस पे फिर ब्लैक ब्लैक दाग रह जाते हैं। तो इसके लिए ये क्रीम आप यूज़ करें। अगर आपको चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप बिल्कुल मुझे साथ कांटेक्ट भी कर सकती हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं उसके लिए मैं फार्मूला बताता हूँ कि आप जाके किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का शॉप हो, मतलब मेडिकल स्टोर हो, तो आप उनसे पूछ ले कि मुझे ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए। इसमें अब दो तरह के आते हैं, एक 10% आते हैं, एक 12%। अब अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ये दिन को ना लगाएं, रात के टाइम आप लगा सकते हो, और 10% भी काम कर सकते हैं, 12% भी काम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है ओपन पोर्स के लिए, और जिनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ लाजमी है मसला होगा। बहुत सारे लोग होंगे उनके फेस पे आपने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढे बन रहे होंगे और ये मजीद बढ़ते हैं अगर आप इस तरह इग्नोर करेंगे। तो ये एक बेस्ट इलाज है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो।